दोस्तों बात करें तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में मैंने दो चीजें पहले बताई थी आपको, जिसके अंदर विंडोज के आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज थी कि ARM के डिजाइन के ऊपर ये लोग मूव करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर आपको AI का डीप इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। और ये बात आज के समय में यहाँ पे सच हो चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज के अंदर जो नए फीचर और नई चीजें बताई ना, उसे देख के लगता है कि विंडोज का डायरेक्शन बहुत अलग ही होने वाला है और शायद विंडोज 12 निकाले ना निकाले, लेकिन ये चीजें तो आपको देखने को मिलती रहेंगी। सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पे ARM डिजाइन के बारे में। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि ARM वाले जो प्रोसेसर्स थे, जैसे कि स्नैपड्रैगन एक्स एलीट और एक्स प्लस, इनको अपने साथ इंटीग्रेट किया है और अपने पीसीस को यहाँ पे निकाला है, यानी कि ऑब्वियसली लैपटॉप्स है यहाँ पे, जिसके अंदर आपको हाई परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और इवन सत्या नडेल है ना, उनका भी यहाँ पे यही कहना था कि यहाँ पे उन्होंने एप्पल से इंस्पिरेशन ली, क्योंकि एप्पल ने जो काम उन्होंने M1 चिप के साथ किया था वो काफी ज्यादा कमाल का था, और वैसा ये लोग यहाँ पे काम करना चाहते थे अपने पीसी इंडस्ट्री के लिए भी। लेकिन बात है कि यहाँ पे आपको पुराने डिजाइन के प्रोसेसर से, इसलिए क्वालकॉम आता है, स्नैपड्रैगन एक्स प्लस और एक्स एलीट आपको यहाँ देखने को मिलता है, जिसका मतलब ये कि यहाँ पे आपको वैसी परफॉर्मेंस या उससे बेटर चीजें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे ये भी क्लेम किया गया है तो जो स्नैपड्रैगन एक्स एलीट है वो आपको यहाँ पे जो एप्पल की M3 चिप का जो मैकबुक एयर आता है ना, उससे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस भी निकाल कर देगा, प्लस यहाँ पर आपको ज्यादा बेटर बैटरी लाइफ भी देखने को मिलेगी। और सिर्फ एप्पल के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर मैं इंटेल के बारे में बात कर सकता हूँ। इंटेल में क्या होता है, यहाँ पर अल्ट्रा कोर 7 जो लेटेस्ट प्रोसेसर है लैपटॉप्स के लिए, उससे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे निकाल कर दे रहा है। लेकिन एक बात बताऊँ आप लोगों को यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे इंटेल अल्ट्रा कोर 7 का जो प्रोसेसर है वो थोड़ा पुराना प्रोसेसर है। जो नई इन जनरेशन आने वाली वो जब आएगी तब हम उसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो कहानी बदल सकती है। इसके साथ ही जो अपकमिंग जो AMD वो भी यहाँ पर आने वाला है। इसके साथ अगली चीज यहाँ पे पता चलती है कि विंडोज यहाँ पे पूरी तरीके से बदल सकता है, क्योंकि अब ये लोग यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होता है उस पर भी काम कर रहे हैं। ये बताया गया है कि यहाँ पे जो मेजोरिटी ऐप जिसका जो लोग यूज करते हैं उनके ऑलरेडी ARM वर्जन ऑलरेडी तैयार है, और जो भी मोस्ट यूज्ड ऐप्स अगर वो ऑलरेडी अच्छे तरीके से बेटर परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन पीरियड आ सकता है। सीधी सीधी बात है, पीसी इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा मजा आ रहा है, लैपटॉप इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है और यहाँ पे आप ज्यादा चीजें ऑब्जर्व करेंगे। ये तो एक चीज यहाँ पे हो गई, लेकिन इसके बाद की जो अगली चीज है ना वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डीप इंटीग्रेशन। अब आप लोगों को तो पता ही है यार कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर आपको अब AI का एक बटन आता है, AI Copilot देखने को मिलता है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर जो चीजें रहती है ये आपके ऑनलाइन होती है, क्लाउड में होती है, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर होती है। आपने कोई भी क्वेरी यहाँ पे लिखेंगे उनके सर्वर पे जाके वह प्रोसेस होगी। लेकिन अब बात की जा रही कि सारा का सारा काम आपके पीसी के अंदर हो जाए, हालांकि जो नए जमाने के फ्यूचर पीसीज आएंगे सिर्फ उन्हीं में काम करेगा, जो पुराने लैपटॉप्स वगैरह उनमें ये चीज काम नहीं करेगी। सबसे पहले तो अभी जो शोकेस किया गया वो किया गया स्नैपड्रैगन एक्स प्लस और स्नैपड्रैगन एक्स एलीट के साथ, जिन प्रोसेसर के अंदर आपको डेडिकेटेड NPU देखने को मिलता है, और ये जो NPU होता है यही आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले टास्क परफॉर्म कर सकता है, और इसी के कारण ऑन डिवाइस AI आपको देखने को मिलेगी। और इसे माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज को पायलट प्लस कहा है, और ये जो पीसी आगे ने को पायलट प्लस पीसी कहा जाएगा। हालांकि अभी स्नैपड्रैगन वाले डिवाइसेज है, लेकिन अपकमिंग इंटेल और AMD के प्रोसेसर्स भी आने वाले जो इस साल यहाँ पे लॉन्च होंगे, उनके अंदर भी डेडिकेटेड NPU होगा, जिस कारण से AI वाले जो टास्क होते हैं ये यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर यही रहेगी। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये कि यहाँ पर AI का तो चलो डीप इंटीग्रेशन भी हम इसके अंदर कर दी, लेकिन एग्जैक्टली लोग इसका यूज कैसे करेंगे। तो तीन ऐसे यूज केसेस के बारे में बात की गई है, और जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो वो मैं सबसे पहले बताऊंगा, और वो है विंडोज रिकॉल का, जो काफी ज्यादा यूनिक है और काफी ज्यादा स्केरी भी लगता है। पता है यहाँ पर कैसे? देखो यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ कि विंडोज का जो रिकॉल फीचर होगा ये क्या करेगा कि जब भी आप पीसी को यूज करोगे, आपने कोई भी विंडो वगैरह खोली तो ये कॉन्स्टेंट स्क्रीनशॉट लेता रहेगा, यानी कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपने कोई भी वेबसाइट खोली, कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हो, ये उसको रिकॉर्ड करता रहेगा कि आप अपनी स्क्रीन पे क्या कर रहे हो। उस इन्फॉर्मेशन उन स्क्रीनशॉट्स को लोकली सेव करेगा, उसके ऊपर उसको एज अ डेटा सेट की तरीके से ट्रीट करेगा और उस पर अपने आपको ट्रेन करेगा, यानी कि वो ये समझेगा कि आप कहां पर क्या काम करते हो, क्या टाइप करते हो, क्या चीजें करते हो, ताकि अगर फ्यूचर में अगर आपकी मदद करनी हो तो कर लो। यानी सिंपल सी बात है, आप कोई फिल्म देख रहे थे, आपको याद आया कि उस फिल्म में उसने इस तरह के कलर के कपड़े पहने थे, तो आप सर्च कर सकते हो, मैं कोई फिल्म देख रहा था उसने इस टाइप के कपड़े पहने थे, तो कौन सा सीन था, क्या था, आपको वो चीज मिल जाएगी। आपने बोला था एक YouTube वीडियो देख रहा था, उसमें कुछ इस टाइप की कुछ बात की गई थी, थोड़ा बहुत मेरे को याद है, वो उसको सर्च करके निकाल देगा। या फिर सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे बताया उन्होंने कि यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन आप देख रहे थे जहाँ पे ब्लू कलर में या पर्पल कलर में कुछ लिखा हुआ था, और वो चीज सर्च करी कि कौन सी PPT थी, वो तो वो ढूंढ के निकाल कर दे दी। यानी कि पर्सनल असिस्टेंट बनाने की कोशिश करिए जो सारी चीज ऑब्जर्व करेगा और आपको छोटा मोटा कोई भी काम रहेगा ना वो यहाँ पे करके दे देगा। हालांकि इससे रिलेटेड प्राइवेसी रिलेटेड चीजें भी आ जाती है,
क्योंकि हर वक्त ये स्क्रीनशॉट लेता रहेगा तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने भी बोला कि हर वक्त ये चीज काम नहीं करेगी, अगर आप इसको ऑफ करना चाहे तो ऑफ कर सकते हैं। उसके साथ ही ये जो इंफॉर्मेशन जो रहेगी वो लोकली डिवाइस के अंदर स्टोर की जाएगी, यानी कि बाहर किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। हालांकि कोई अगर आपके डिवाइस को हैक कर ले, कहीं से कोई वायरस आ गया तो शायद एक्सेस वगैरह हो सकता है, क्या पता। इसके साथ ही अगर माइक्रोसॉफ्ट ने पॉलिसीज वगैरह चेंज करी तो कुछ इन्फॉर्मेशन ये लोग क्लाउड वगैरह में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बारे में अभी एग्जैक्टली में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो है वो बताया। इसके साथ ही इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई गई है वो है मिनिमम 16 GB की रैम है, NPU वाला प्रोसेसर होना चाहिए यहाँ पे, प्लस 250 GB की SSD होनी चाहिए जिसमें से 25 GB रिजर्व करके रखेगा स्क्रीनशॉट वगैरह के लिए, और अगर 1 TB की SSD तो 100 से 150 GB डेटा स्टोर करके रखेगा ताकि इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ पे सेव किया जा सके। ये एक ऐसा फीचर है, देखने वाली बात है कैसे काम करता है और कितना ज्यादा यूजफुल होता है। इसके साथ अगला फीचर उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो पेंट होता है, आज के समय में पेंट में अब अगर आपको ड्राइंग करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे इमेज जनरेशन भी हो सकता है। आपको बस टेक्स्ट देना है और इमेज या जो पेंट में जो भी पेंटिंग आपको क्रिएट करनी है वो क्रिएट कर सकते हैं। और थर्ड चीज है लाइव ट्रांसलेशन, अगर आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में अगर कोई भी वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हैं तो 40 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन आएगा, सबटाइटल्स आपको देखने को मिल जाएंगे एक तरह से। ये भी एक इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया। ओवरऑल बात करें तो विंडोज एक अलग डायरेक्शन में यहाँ पे मूव ऑन कर रहा है, और मैं आपको बता सकता हूँ जो विंडोज का जो वर्जन हम लोग यहाँ पे जानते तो पूरी तरीके से यहाँ पे बदल चुका है। आज के समय में माइक्रोसॉफ्ट की प्रायोरिटी यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है, और यहाँ पे AI को अपने OS के अंदर इंटीग्रेट करना उनके लिए बहुत स्मार्ट मूव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग सबसे पहले चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और मैक OS से पहले अगर ये सारी चीज यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अभी WWDC आएगा, एप्पल वाले भी चीजें दिखाएंगे AI की, उससे पहले दिखा के एक लीड उन्होंने लिया। इसके साथ ही ये अगली चीज रहेगी कि ये जो चीज है ना, ये आपको फ्यूचर के लैपटॉप और PCs के अंदर देखने को मिलेगी, जो नए प्रोसेसर है इन सबके साथ आएंगे, तो ये भी एक चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। यानी कि जब विंडोज 11 आया था तो काफी सारे पुराने प्रोसेसर्स थे, काफी सारे पुराने लैपटॉप से जिनके अंदर अपडेट नहीं आया, फिर विंडोज 11 आया, अब ये एक नई चीज है जो आपको फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगी। अगली चीज इंपॉर्टेंट ये समझ में आते है कि माइक्रोसॉफ्ट ARM के ऊपर डबल डाउन यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे स्नैपड्रैगन के साथ उन्होंने अपने सर्फेस लैपटॉप्स को निकाला है। इंडिया में बात करें तो स्नैपड्रैगन वालों से पूछा मैंने कि उनका कोई प्लान नहीं है इस समय यहाँ पे लॉन्च करने का, लेकिन कुछ चीजें फ्यूचर में हो सकती है, और इतना पता चला था अगर इंडिया में अगर उन्होंने लाएंगे तो स्नैपड्रैगन X एलीट का लैपटॉप लाएंगे, और हाल ही में कंफर्मेशन मेरे को यहाँ मिली कि असूस अपना एक लैपटॉप यहाँ पे लेकर आ सकता है स्नैपड्रैगन X एलीट के साथ। अब देखने वाली बात है वो चीज रियल वर्ल्ड में कैसे परफॉर्म करती है। और हाँ, स्नैपड्रैगन के बारे में मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इस प्रोसेसर की जो कीमत होगी, जो कॉस्ट होगी, वो इंटेल वाले प्रोसेसर से कम है, तो कंपनीज के लिए एक एडवांटेज हो सकता है, कंज्यूमर के लिए एक एडवांटेज हो सकता है, लेकिन रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस कैसी होगी वो देखने वाली बात है। अगली चीज यहाँ पर ये कि जो AI के बारे में बात कर रही है और क्या क्या काम कर सकती है ये भी, क्योंकि अभी तक हमने सरफेस लेवल स्क्रैच किया है, क्योंकि जो चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरा LLM ChatGPT जैसी चीज यहाँ पे रन होगी वो नहीं होने वाली। यहाँ पर क्या रहेगा कि आप कोई भी काम जो अपने लैपटॉप या PC में करेंगे वही ये रिकॉर्ड करेगा, स्टोर करेगा, और उस चीज को स्मॉल लैंग्वेज मॉडल कहा जाएगा। यस, LLM नहीं, इसे SLM कहा जाएगा, क्योंकि ये जो डेटा सेट है वो काफी ज्यादा छोटा और उसी डेटा सेट पे ट्रेंड होगी ये AI जो आप यहाँ पे अपने कंप्यूटर के अंदर करते हैं। खैर, कितना एक्सेस यहाँ पे AI कर लेती है, कितनी चीजें यहाँ पर देखती है वो देखने वाली बात होगी, प्राइवेसी के लेके देखने वाली बात होगी आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है, लेकिन आपको बता सकता हूँ कि विंडोज यहाँ पे पूरी तरीके से बदल गया, और ये कुछ चीजें जो आपको देखने को मिल रही है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ। अब खैर, विंडोज 12 आए ना आए, लेकिन जो चीज का हम इंतजार कर रहे थे वो चीज यहाँ पर हो चुकी है। बाद में इन सब के बारे में ना मैंने आपको एक साल पहले बता दिया था कि एग्जैक्टली वो हो क्या रहा है, और आज देखो सारी चीजें यहाँ पे कंफर्म कर दी। खैर, इसी टाइप के अगर वीडियोस अगर आप लोग जानना चाहते हो कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, पहले कुछ चीजें, तो यार सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस टाइप की चीजें हम लोग काफी ज्यादा करते रहते हैं। तो थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, मैं आप सुनता हूं नेक्स्ट वन के अंदर।